अरे पकड़ो 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 भाभी जी, भाभी जी हमें बचा ली भाभी जी। ए रुको, अरे मखवाना जी कहाँ है? वो बेचारे गरीबों को काहे डंडा दिखाते हैं आप? मैडम जी और क्या, मैं उनको पपिया देके रोकूं? जी ऐसे ही रोकना पड़ता है। भाभी जी, भाभी जी हमारी मदद कीजिए प्लीज। का हुआ? कसम खा के कह रही हूँ भाभी जी, गुर्दे से लेकर कलेजा तक सब सूखा पापड़ बनता जा रही है। ऐसे में हम गरीब मासूमों को एक ढाबा दिखाई दिया, वहां से हमने एक रोटी चुरा ली। भाभी जी इतने को ना जम के पिटाई। चुप कीजिए आप। अब पहली बात तो सुनिए कि हम भाभी जी नहीं हैं, हम दारोगा हैं। अका आपको हम रबर दी ना ही दिख रहा है? और देखिए हमको एक ठो जवाब दीजिए ढाबे वाले भैया। हाँ अकी, तुमरे ढाबे पर तो कितना रोटी बनता है? 2-4 रोटी अगर वो चुरा भी लेंगे तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, आफत आ जाएगा। हमको देखो, हम तो रोज जब भी रसोई में रोटी बनाते हैं ना, तो 2-4 कौवे आके रोज ही रोटी उठा के भाग जाते हैं। हम तो कौवों को पुलिस को बुलाकर पकड़वाते ना ही है, हवालात में डाले आज तक कौनों कौवे को। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। सुनो भैया, रमेश नाम है हमारा, रिश्ते बनाने नहीं आए हैं, सब्जी बेचने आए हैं, नाम से पूछिए। रमेश बेटा, आलू कैसे दिया? थैले में डाल गया। रमेश भाव पूछ रहे हैं, भाव? भाव तो लड़कियां खाती हैं, आलू का भी भाव खाती हुए देखा है क्या आपने? बेटा इतने कड़वाहट क्यों लिए हुए हो, इतने बिटर क्यों, इतने चुड़े हुए क्यों? सिर्फ भाव तो पूछ रहे हैं बेटा तुमसे, और क्या पूछ रहे हैं? आलू 15 रुपए किलो। और प्याज रमेश? 20। और ये भिंडी? भिंडी 25। और ये बंद गोभी? बंद गोभी 30। एक काम करो, सब सब्जियां 1-1 किलो तोल के इनके घर पहुंचा दो, ठीक है? क्यों, आप नहीं ले जा सकते क्या? आपकी कमर इतनी पतली तो नहीं है लचक जाएगी? बेटा शायद तुम इनको पहचान नहीं रहे हो, किस खेत की मूली है। पता ये कौन है? ये जो नई आई है दरोगाइन, उनके इकलौते पति हैं। जी जी। नमस्ते भाई साहब। सब्जी खरीदने आए, रिश्ते जोड़ने नहीं आए? तिवारी बोल, तिवारी। नमस्ते तिवारी। अबे जी लगा, जी जी। अरे रमेश एक काम करो, सब सब्जियां तोड़ लो 1-1 किलो और उन्हें घर पहुंचा दो, ठीक है ना? पैसे यहीं देंगे कि घर पे से ले? शायद तुमने सुना नहीं ठीक से, ये कौन है? ये दरोगाइन के इकलौते पति हैं, वन एंड ओनली, समझे कि नहीं समझे? आपने भी शायद यहाँ पे कहीं बोर्ड लगा है क्या, ये सब्जी चोरी की है? आप गरीब के पेट में लात मारोगे तो पलट के वो आपको कहाँ कहाँ पे लात मारेगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बचप, हिम्मत कैसे हुई भाई इनसे ऐसे बात करने की? हाउ डेयर यू? गरीब आदमी, अगर आप ऐसी फ्री में सब्जी देंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? चल छोड़, कितना हुआ रमेश? आलू 30 रुपए किलो। 30 रुपए? अभी तो 15 रुपए बोल रहा था तू। वो तो पालक के बताए थे। तो प्याज 40 रुपए किलो। अबे कितना झूठा है तू, तूने अभी बोला 20 रुपए किलो है ये, अभी बोला। वो तो मेरे टमाटर के बताए थे। तू तो यार हर चीज का दाम दुगना करता जा रहा है। क्या तिवारी जी, दरोगा के पति हैं आप, 2-4 पैसे पे काय को बहस कर रहे हैं? लेना हो तो लो वरना फूटो। तिवारी जी कोई बात नहीं, अभी भाभी जी नहीं दरोगा हुई है ना, तो मालूम नहीं है इसको, डंडे बजेंगे ना सब मालूम पड़ जाएगा इनको, ठीक है बेटा? बड़ा ये बैगन देख रहा हूँ। आई तिवारी जी, कुछ नहीं कुछ नहीं साले। प्यार से तिवारी जी, प्यार से। इन पौधों को प्यार की आदत है, भाभी जी इन्हें बच्चों की तरह पालती थी, और आप इन पौधों को ऐसे पानी दे रहे हैं जैसे आपको किसी ने कोबरा सांप को दूध पिलाने की ड्यूटी में लगा रखा है। देखिए हमारा दिमाग पहले से ही बहुत भिन्नाया हुआ है, हमें और ज्यादा परेशान मत कीजिए। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया भभूति जी, एक समय वो था जब हम सुबह सुबह जो है रजाई में घुसे होते थे और वो खींच खींच के मैं चाय पिलाने की कोशिश किया करती थी। अब देखिए सुबह सुबह आ जाए यहाँ पर पानी दे रहे हैं और कड़कती धूप में पापड़ की तरह सिक रहे हैं। कैसी धूप, अच्छा खासा मौसम तो हो रखा तिवारी जी,
और फिर इस बहाने आपके थुलथुल शरीर की एक्सरसाइज भी हो रही है। देखिए आप हमारा ना ज्यादा मजाक मत उड़ाइए, ये सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपके आपके कहने पर हमने जो है उसे वो दरोगाइन बनने की इजाजत दी। दरोगाइन के पति होने के फायदे भी गिनाए थे मैंने आपको, याद है या भूल गए? आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा भाई गॉड। अरे जाइए यार, अगर वो आपकी पत्नी होती ना तो पता चलता जब सुबह सुबह उठ के आंख मलते हुए पौधों को पानी देना पड़ता। कसम से तिवारी जी कितना अच्छा लगता इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। अबे ओ कच्चा बनियान, ये तो कमाल हो गया, मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मेरी फोटो कभी अखबार में नहीं छपी। आज तुझ जैसे कच्चा बनियान बेचने वाली की बीवी की फोटो अखबार में छपी है। हाँ। क्या बात कर रहा है प्रेम, भाभी जी की तस्वीर अखबार में छपी है? तिवारी जी भाभी जी की तस्वीर अखबार में छपी है? अरे भाई अरे सुनो, ए भाई भाभी जी की तस्वीर अखबार में छपी है, अखबार में। अच्छा अच्छा हाँ। अरे पहले अखबार तो दिखाना यार। ये ले यार। एक मिनट दीजिए यार, दरोगाइन अंगूरी तिवारी ने एक भूखे बच्चे को ढाबे में खाना खिलाया। अबे ओ कच्चा बनियान, भाभी जी ने तो पुलिस वालों की छवि सुधार दी। yes. उनकी नाक ऊंची हुई सो हुई, साथ में तेरी भी हो गई है। आज मेरी छाती गर्व से फूली नहीं समा रही है भाई गॉड। संस्कार नाम का चीज है अंगूरी जी में। भाई हमें तो बहुत खुशी है कि मॉडर्न कॉलोनी और कानपुर को भाभी जी जैसी दरोगाइन मिली। आखिर बीवी किसकी है पगली? जिसको इस बात की खबर ही नहीं है कि उसके पास हीरा है। चलता हूं, अनु वेट कर रही होगी कॉफी का। कुत्ते ने किसी आदमी को काट लिया है और पुलिस बुलाई गई, तो आप किसको सजा देंगी? कुत्ते को सजा देंगी या कुत्ते के मालिक को? किसी को भी सजा ना ही देंगे, काहे हम तो वो आदमी को बुलाएंगे जिसको कुत्ते ने काटा है और उसको लतियाएंगे। हाँ काहे कि डॉक्टर के पास जाकर कुछ सुइयां ही तो लगवानी है, काहे को कुत्ता और उसके मालिक के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया और फिर पुलिस वालों का टेम भी वेस्ट किया। I like it. आपके विचार बहुत महान है दरोगाइन जी, बहुत महान है, इस देश को आप पर गर्व है। मैं अब आपकी एक कुछ फोटोज ले लेता हूँ। प्रणाम दरोगाइन जी। आप प्रणाम प्रणाम, खुश रहो, कहा हुआ रपट लिखाने आए हैं का? और वो ढाबे वाला रोटी दे रहा है कि नहीं? ना ना दरोगाइन जी ना, आखिर कब तक भीख की रोटी खाते रहेंगे? इन दोनों को तो पता ना, लेकिन समाज में मेरी तो इज्जत हो गई है, इसलिए हमने ना अपने पैरों पर खड़े होने को फैसलो लिए हुए। आज तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा लो टाइट किए हैं सच्ची। दरोगाइन जी वो डिसाइड होता है। सही पकड़े हैं। अच्छा हमको एक तो बात बताओ, क्या करने का सोचे हैं? दरोगाइन जी हम चाहते हैं कि हमने ये फैसला करो है कि हम हमारा कहा है कि हम वैसे गरीब हैं, तो हम चाहते हैं कि छोटो मोटो जो है ना वो क्राइम करके अपना छोटो सा पेट पाल लें। का मतबल? मतलब ये है रही है दरोगाइन जी कि आप हमें ना मतलब हमारी मदद करें, आप हमें कोई भी क्राइम हम जो करते हैं ना वो करने से रोके ना, बस छोटा मोटा ही क्राइम करेंगे दरोगाइन जी। तो करो ना, छोटा मोटा क्रीम करने में क्या प्रॉब्लम है, करो करो। हाँ वैसे भी हम पुलिस में भर्ती तुम जैसे गरीबों और जरूरतमंदों का मदद करने के लिए ही तो हुए हैं। तुम चिंता ना ही करो, हम तुम लोगों को पूरा एयरपोर्ट देंगे। दरोगाइन जी वो सपोर्ट होता है। सही पकड़े हैं। चिंता ना ही करो, आराम से करो। हाँ छोटा मोटा हाथ मार सकते हो हमें। I like it. Idea. ऐसे कैसे हो गया? हमरे होते हुए आप क्या चोरी हो गया? भाभी जी आप इस चोरी से
जुड़ी हुई हैं। हम कैसे जुड़े हैं? कोई आपके इलाके में चोरी हुई है भाभी जी, तो आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी ना उससे। हाँ, वो तो है, जुड़ तो गए हैं, अब तो केस हमको लेना ही पड़ेगा। हाँ तो बताइए वारदात कब हुआ? भाभी जैसे ही वो जुल्फे लहराती हुई आई, हमारी पलखें झपकना भूल गईं। अब क्या बोले? भाभी ये घटना पुरानी है, पुरानी वारदात है। हाँ तो पुराना घटना है तो पहले काहे ना ही बताए, मुजरिम को पकड़ना आसान हो जाता ना। अरे ये मुजरिम भी हमारे सामने है, कत्ल भी कर गया और मुस्करा भी गया। क्या बोलते ना, हमरी कुछ समझ ही ना आता है। अब चोरी का हुआ है वो बताइए, का चोरी हुआ? दिल। हाँ क्या बोले? भाभी जी दिल के बड़ी करीब की चीज चोरी हुई है, मेरा सुख चैन रातों की नींद सब कुछ चुरा के ले गया। कुछ समझे ना ही, ये सब भी चोरी होता है का? भाभी जी मुझे भी लगता था कि भाई ये सब चीजें चोरी होती हैं, लेकिन चोरी होती हैं और चोरी हो गई हैं। As you can see, चोरी हो गया, सुख चैन नींद सब चोरी हो गया। अच्छा चलिए लिस्ट बना लेते हैं का चोरी हुआ है। जालिमो भैया जा किताब में ना एक से एक बड़े क्राइम के बारे में लिखो है कि क्राइम कैसे करो जाते है, और भैया मुंह के हिसाब से ना जो मुंह को सबसे बढ़िया लग रहा है। हाँ तो भैया मुंह के हिसाब से ना जेब काटने का धंधो ना सबसे बढ़िया है वो है। हाँ ठीक है, अब तू खड़ा हो जा यार, जैसे तू बस स्टैंड पर खड़ा होता है, खड़ा हो, सारे बाद में पी लियो चाय। अबे बावले ऐसे जेब काटेगा तो किसी को भी पता चलेगा, और तो और मियां अपनी बीवी की, बाप अपनी बेटी की, और दो जो उधार लेकर वापस ना कर रहे हैं, साड़ी भड़ास तुम दोनों पे निकाल देगा। अरे सर उधर जा सर। अच्छा ठीक है ना, तो सारे बताना कहाँ करें फिर। सर देख कहाँ करें। गाइस जेब कतरी में ना बड़े अभ्यास की सख्त जरूरत रहती है, जो तू जेब में टटोल रहते हो ना सारे मुच्छल है वह तो मैं तो सहन कर जाऊंगा, लेकिन सामने वाली पार्टी सहन ना कर पाएगी, जूते देगी सारा मुंह पे। एक एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? सारे खाली दिमाग का आइडिया है। किसी की गाड़ी चुरा लेते हैं। वाओ, एक ही झटके में 2.5 लाख रुपीस। वाओ यार। लेकिन यार चोरी करेंगे कैसे? जाहिल्स कर दी ना बेवकूफी वाली बात। ध्यान से सुनो, चाबी वाले से एक मास्टर की बनवाते हैं। हाँ। उस की से गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे। हाँ। तीनों अंदर बैठ जाएंगे। हाँ। और मलखान। हाँ। तू गाड़ी स्टार्ट करियो। हाँ। और गाड़ी को यहाँ से वहां है। हाँ। रफा दफा। लेकिन सारे धीके लट्ठो, मोक तो गाड़ी चलानी आती ना है, मैं तो गिनती की 3 बार गाड़ी में बैठा हूँ पूरी जिंदगी में यार, 2 बार पुलिस की और 1 बार एम्बुलेंस में। सही कह रहे हो यार, मोको भी है ना थोड़ी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस ना भी यार, मेरे हाथ जाम है रहे हैं, मैं ना चला पाऊंगा गाड़ी यार, आई कांट ड्राइव। यार गाड़ी चलाना तो मुझे भी ना आती। इस गाड़ी से एक और आइडिया आया मेरे जहन में। आइडिया? तो सारे काम बताना जल्दी। गाड़ी ना सही। हाँ। गाड़ी वाले को चुरा लेते। ओह माय गॉड, व्हाट ए डिस्टर्बिंग आइडिया। अरे पकवास कर रहा है, देख गाड़ी की नंबर प्लेट बदल के हम गाड़ी को तो बेच सकते हैं, लेकिन आदमी को नाम बदल के कैसे बेचेंगे? ना 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 मेरी जान, ना नाम ना बदलेंगे, सिर्फ बेचेंगे, और वो भी उसके अपने परिवार वाले को। जी का मतलब है को? मतलब सीधी सी बात है मलखान। हा? किसी अमीर मालर आदमी को उठा लेते हैं। हा? मोटी रकम फिरौती के तौर पे मांगेंगे, इधर हाथ पे पैसा रखेगा, उधर वापस कर देंगे। आए मर गया रे। आइडिया का हुआ? काहे करा रहे हैं ऐसे? का बताएं पगली, कोई हमें बहुत ही बुरी तरह से धो गया, और ये आवाज जो है वो मुंह से कम और हड्डियों से ज्यादा आ रही है। आइडिया लेकिन
ऐसे धुन गया? पता नहीं पगली कौन बदमाश था। चलिए जाने दीजिए, कहा है ना लड्डू की भैया कि कोनो भी इंसान जन्म से बुरा ना ही होता है, उको स्नेक डांसेस बुरा बना देते हैं। अरे यार कुछ नहीं बोलती है, स्नेक डांसेस नहीं सरकमस्टेंसेस होता पगली। सही पकड़े हैं, तो ना इंसान को परिस्थितियां बुरा बना देती हैं, लेकिन कहा है ना कि हमको वो इंसान का दिल समझना चाहिए, उसको अच्छा बनने में मदद करना चाहिए। अरे क्या वाहिया टाइप की बातें कर रही हो तुम, यहाँ तुम्हारे पति को कोई पुरानी चादर की तरह धो गया और सड़क पर सुखा भी गया और तुम उसके दिल को समझना चाहती हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा ना, कोई ऐसे ही चलते फिरते तो किसी को धोता ना ही है। क्या बताए, वो कमबख्त जो है तुम्हारे दरोगा बनने की बधाई हमें दे गया। हम कुछ समझे ना ही। तुम समझोगे भी नहीं। अच्छा सुनो, आज तो थकी हुई नहीं हो ना? नहीं, आज तो हम बिल्कुल फ्रेश हैं। कहा है कि अब ना हमको चक्कर मारने का आदत पड़ गया है। तो फिर एक काम करो पगली, हमारी बॉडी में बाम लगा दो। अभी लगा देते हैं, कहाँ लगाना है? अरे आंख छोड़ के हर जगह लगाना है पगली, बहुत बुरी तरह से धोया है कम वक्त ने। तुम्हारे हाथों में तो जादू है ना पगली। अब अरबुती जी भी यही बोलते हैं। हाँ, जब भी हम उनको पराठे बनाकर खिलाते हैं ना, वो यही बोलते हैं। सारो, डॉक्टर साहब है वहाँ पे। देखो, टीका मलकांड डॉक्टर साहब आ रहे हैं। बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम कांड करने आए। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ। आ रहे बातें वाले करो। हाँ। तो फिल्म अच्छी थी। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। टीका मलखान टिल्लू, अबे लौंडो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ पे ऐसे ही आए हैं। आपको क्या लग रहा है हम यहाँ पे कोई कांड करने के लिए आए? मैंने ऐसा कब कहा? डॉक्टर साहब अगर आपने नहीं भी कहा तो हम थोड़ी ना मान लेंगे कि हम यहाँ पे वो घनश्याम सेठ जी को उठाने के लिए आए। लौंडे देखो, ऐसे मामलों में मजाक अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब क्यों ध्यान दे रहे हो फालतू की बातों पे, सारा मुच्छल चुप हो जा। डॉक्टर साहब वो क्या है कि ये जो गाड़ी है ना, ये हमारे दोस्त की है, तो जहाँ पे हम घूमने आए थे इधर थोड़ा तफरी मार रहे थे। हाँ, वो अरे ये तो बताना बोलेगा, इसको बड़ी तेजोगी लग रही थी डॉक्टर साहब। बोला बहुत तेजोगी लग रही, हमने कहा रोको, टीका से गाड़ी रुकवाई, यहाँ लेकर आए करवाने के लिए। लौंडो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तुम लोगों को मालूम है ना कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है और तुम लोग यहाँ पर खुले में करके बीमारियां फैला रहे हो? ना 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 डॉक्टर साहब, खुले में कोई बीमारी ना फैला रहे, हम तो यहाँ पे है ना वो इसीलिए उतरे घनश्याम सेठ जी के बाथरूम में जाने के लिए। लौंडे मैंने मना किया था ना कि ऐसे मामलों में मजाक अच्छी बात नहीं है। मलखान आप ही बोले ना डॉक्टर साहब, मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ। जब देखो मजाक करता रहता, पागल है। वैसे डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या करने आए थे? अपने ही काम से आया था। वो क्या ना अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया कि सेठ घनश्याम दास की तबीयत बिगड़ गई है, बस उन्हें देखने आया था। हर तरह का ट्रीटमेंट किया, यहाँ तक कि पुराने पीपल का जो मंदिर है ना उसकी भभूत चटाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अंत में सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। आबा डॉक्टर साहब आप हमसे कह रहे हो कि मजाक मत करो, मजाक मत करो, खुद मजाक कर रहे हो तुम। किडिंग हाँ। अजीब लौंडे हो तुम लोग, मैं इतनी देर से बोल तो रहा हूँ कि ऐसे गंभीर मामलों में मजाक नहीं करते, अजीब लौंडे हैं। हाँ। गाड़ी को किराया भी देना है यार, कम फॉलो मी। हमरा तो रो रो कर बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था। बेटा हमारे घर में तो कई बार महंगी महंगी चीजें चोरी हो गई, हम तो कभी रोए नहीं, लेकिन हाँ हमारा क्या क्या सूझा हुआ है ये हम बता नहीं सकते। चाचा जी जस्ट टेक इट इजी, टेक अ चिल पिल, अपनी औकात मत दिखाइए।
भाभी जी इज अ वेरी एफिशिएंट ऑफिसर एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर देंगी और आपका चोर आपके सामने खड़ा होगा। आई नो शी इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर। हां 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 चलिए हम ना आप लोगों का रिपोर्ट लिख लेते हैं। सो ओके पहले हमको आपका क्रीमेशन करना पड़ेगा। भाभी जी क्रीमेशन तो अंतिम संस्कार को कहते हैं। आप इंट्रोगेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े। हाँ चलिए हम सवाल पूछेंगे। हाँ हमको सही सही जवाब दीजिएगा। वो चोर का क्या नाम था? अरे बेटा वो अपना कोई विजिटिंग कार्ड थोड़ी यहाँ छोड़ के गया जो हमें उसका नाम पता हो। अच्छा वो कहाँ रहता था? अरे हमें कैसे पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि चोरी की किसने। हाय दिया अगर इना ही पता होगा तो फिर हम चोर को ढूंढेंगे कैसे? तफ्तीश करके भाभी जी। पैसे ते किस बात के पैसे? अरे जब हमने कार काम में ही नहीं लाई तो किस बात के पैसे रह गए? ये तो वही वाली बात है कि हमने जो आम खरीदे और बिना खाए वापस कर दे, तक सूखने के पैसे दे गए हम आपको, कोई पैसे से ना है। अरे तो थोड़ी देर के लिए हमने कार काम में लाई है, बाकी काय को पैसे दें हम आपके? हैं? कसम से कह रही हूँ भैया, कसम से कह रही हूँ, भगवान ने हमारी किस्मत कलम से ना लिखी। गधे के। अबे भुतनी के। कैक्टस वाले कांटे से लिखी है यार। बताओ यार अब बुड्ढो घनश्याम सारो 90 साल काट को अगर 2-4 दिन और काट जातो तो वहां के बाप को का चलो जातो। अरे बोरी भैया। अबे मलघान वो बुढ़ो तो टह बोल गया, सोच अब क्या करें, फिर किसी को उठा लें क्या? ब्लडी फूल हैं का बोलो यार। सारो बोल रहा हुआ तुमने हमारी कार काम में लई है, पैसे तो देने पड़ेंगे, वो भी पूरे 5,000 रुपया। उस भुतने वाले का क्या दिमाग सट गया है क्या? 5,000 रुपए क्यों मांग रही था वो? अबे इतनी पुरानी गाड़ी है, कसम से कह रही हूँ भैये कि उसका दादा बचपन में उस गाड़ी से ना पोलियो की दवा पीने जाता होगा। अरे तो यही तो बोल रहा हुआ यार, वो बोल रहा हुआ कि नई गाड़ी दी है तुमको तो 3,000 रुपया लेते हूँ मैं, पुरानी होती तो बाकी इज्जत भी ज्यादा होती और मोल भी ज्यादा हो। तो सारे धीका लट बकवास कर रहे हो, एकदम गलत बात कह रहे हो। मोको पिताजी है ना 70 साल को है गए और मोकी माँ है ना बिल्कुल भी इज्जत ना करती, कुत्ता की इज्जत हैगी घर में लेकिन मेरे बाप की ना हैगी। मलखान पुराने सामान की बात ही अलग होती है। कसम से कह रही हूँ करोड़पति ना बल्कि अरबपति बनने का आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है। क्या बात कर रहे हो यार? कैसे? म्यूजियम में 1,000-1,000 साल पुरानी चीजें होती हैं। अबे बावलो देखते देखते अभी की बात है 20-50 साल की पुरानी चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। अब सोचो 1,000 साल पुरानी चीजों की कितनी कीमत होगी। तेरे कहने का मतलब है कि म्यूजियम में जाके चोरी करेंगे? हाँ। और एक ही झटके में, कसम से कह रही हूँ एक ही झटके में टीका मलखान टिल्लू जमी से आसमां पे शेर करते नजर आएंगे। अरे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के साथ। जल्दी जल्दी अबे बैग गिर गया, बैग गिर गया। हाय दिया भाई साहब। ओके ओके हाय दिया ये हैंडसम काहे करे हैं? हमसे डरिए नहीं, काहे कि हम बिल्कुल भी बुरे पुलिस नहीं हैं। ये जो नाम खराब हुआ है ना पुलिस का, एक खूंखार पुलिस बोल के, उसको ठीक करने के लिए ही तो हम पुलिस में भर्ती हुए हैं। बात ये है कि अब पुलिस वाले हम सब बहुत अच्छे हो गए हैं, हमसे डरिए नहीं। आप मजाक कर रही हैं ना, आप शूट करने वाली ना हमें? हम मजाक काहे करेंगे, आप तो हमरे बड़े ये जो आप मास्क पहने हैं ना इसके लिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको बड़ा भाई बोले कि छोटा भाई। लेकिन हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपको हमसे डरने का कोनो जरूरत नहीं है। आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं हो ना तो ई रक्षाबंधन पर आ जाइएगा हमसे राखी बंधवाने, ठीक बा? आप बिना कोनो सस्पेंशन लिए घर जाकर आराम कीजिए। आप शायद टेंशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, हाँ जाइए।
भाई साहब इका छोड़ लीजिए लीजिए। नहीं नहीं हम उठा लेंगे, हम उठा लेंगे, हम उठा लेंगे। ठीक बा, आराम से जाना। हाँ हमको कॉल कर देना पहुँच के। थैंक यू दीदी। 1000 में मेरी बहना है। रुको 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 रुको, ये तुम्हारा 2000 का गड्डी। थैंक यू दीदी। ठीक बा, बाय बाय। I like it. आ सकते ना जी? हम ठीक किए ना? Very good, brilliant, unbelievable. अरे दरोगाइन जी, मुझे गर्व है आप पर। I'm so proud of you. मैंने पुलिस का इतना अच्छा रूप आज तक कभी देखा ही नहीं था। पहली बार मैंने पुलिस को बैंक लुटेरे की मदद करते हुए देखा। वाह 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 दरोगाइन जी, आपकी ये फोटो कल के अखबार में छपेगी। I like it. सारो, फिर सोचना कहाँ है, जल्दी से चल के वहां मूर्ति को चुरा लेते। चलो चल चल। कौन है आप लोग? मैं भुरभुरे घोरपड़े। मेरा नाम सुरसुरे घोरपड़े। तुम्हारा नाम क्या है? सोच रहा हूं। कुछ सोचे। सोच लिया। वो क्या है कि ये सोच रहा है कि मैं अपना नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। वैसे मैं आपको इसका नाम बता देता हूं। इसका नाम है फुरफुरे घोरपड़े। अच्छा सुनो, पर्चे वर्चे हो गए ना, अभी बताओ यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टीका। वाओ, व्हाट अ म्यूजियम। एक्चुअली क्या किया, हम म्यूजियम ढूंढने आए थे, मतलब घूमने आए थे। इतनी रात को? मतलब म्यूजियम इतनी रात को घूमने आए थे? कहीं चोरी वोरी करने का इरादा तो नहीं है ना तुम तीनों का? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तीनों की शक्लें देखिए, हम कितने शरीफ हैं। क्या हम आपको चोर नजर आते हैं? तुम्हारी शक्ल देख के क्या लगता है, अगर बोलूंगा ना तो बुरा लग जाएगा। अच्छा वैसा भाई साहब, आप भी तो यहाँ पे है, आप बताओ ना आप यहाँ पे क्या करना है? अंधे हो? वॉचमैन हूँ, जब भी म्यूजियम बंद होता है उसके बाद मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगती है, समझे? अच्छा समझा। अच्छा भैया, पहले ये तो बताओ आप यहाँ पे कौन सी चीज की ड्यूटी करते आ गए, और यहाँ पे कौन सी ऐसी महंगी मूर्ति रखी आ गई, जाकू कोई चुराने के लिए आ जाएगा? अरे जो हमारी यहाँ पे ड्यूटी लगी थी ना, वो 3 करोड़ की मूर्ति की रखवाली के लिए लगी थी, लेकिन मूर्ति चोरी होने के डर से मूर्ति को बैंक लॉकर में शिफ्ट करवा दिया, और जो अब यहाँ पे मूर्ति है वो डुप्लीकेट है, 300 रुपट्टी की। अब हमको भी शर्म आने लगी है कि हम किस चीज की ड्यूटी कर रहे हैं, कबाड़ की ड्यूटी कर रहे हैं? यार टीका, पता कर भाई, कार के किराए में 1500 का डिस्काउंट होगा कि नहीं? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।